हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक नया क्वेश्चन जिसमें बोला गया है, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? ओके स्टूडेंट्स, तो सपोज कीजिए मैं आपको पहले एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। सपोज कीजिए आपने एक बर्तन लिए, कोई भी पॉट लिए हैं, और उसमें पानी डाले और उसमें सॉल्ट नमक मिलाते जाते हैं। तो नमक जो है वो उसमें घुलते जाता है, लेकिन कुछ समय बाद अब नमक डिसॉल्व होना यानी कि सॉल्यूबल होना यानी कि घुलना बंद हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो हम नमक डालते जाते हैं, जो सॉल्ट डालते जाते हैं, फिर भी वो जो सॉल्ट है वो नीचे बर्तन में बैठते चला जाता है, वो घुलता नहीं, वो सिर्फ नीचे बैठ जाता है। तो ये जो नीचे बैठ रहा है या फिर कोई और रिएक्शन हो रही है, उसके बाद अगर उस बर्तन में नीचे कुछ सब्सटेंस बच जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं उसको? प्रेसिपिटेट। चलिए समझते हैं। अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्यूबल सॉल्ट और अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्यूबल सॉल्ट, इनसॉल्यूबल मतलब कि जो घुल नहीं सकता, और इनसॉल्यूबल सॉल्ट या फिर प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो आखिरी में नीचे बच जाता है, जो बैठ जाता है ना बर्तन में, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रेसिपिटेट जो है वो बन जाते हैं, यानी कि इनसॉल्यूबल सॉल्ट मिलता है नीचे हमको, या फिर प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि वहाँ पे नई चीज़ बनी है, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि यहाँ बोला गया है, इन द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4 इज फॉर्म्ड, इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि यहाँ बोला गया कि जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम सोडियम सल्फेट से करते हैं, तो ये रिएक्शन जब होती है तो हमको एक प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि होता है बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4, और NaCl अलग हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो BaSO4 है वो हमको नीचे बर्तन में मिल जाता है, तो बेसिकली प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल दिया है, इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 एंड कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेंड एज अ प्रेसिपिटेट। तो उस कंडीशन में जब हम सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको बर्तन नीचे एक प्रेसिपिटेट मिलता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3। तो रिएक्शन में दिखाया गया कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की रिएक्शन CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड से करवाते हैं, तो हमको प्रेसिपिटेट मिलता है CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड NaCl अलग से मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।